ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं तत्काल टिकट कैसे बुक करें, क्योंकि आज के डेट में तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ है। यदि आप IRCTC वेबसाइट से करते हैं या फिर रेल कनेक्ट ऐप से करते हैं तो यहाँ से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यदि आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी रूट ऐसे भी है जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से 3 से 4 बजे टिकट रुकता है तो वहाँ पे आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से दरभंगा, इसके बाद मुंबई टू बनारस, मुंबई टू गोरखपुर, इस रूट में टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकेंड के अंदर में टिकट खत्म हो जाता है। और आपको पता है होली आने वाला है, इस टाइम में भी टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 4 तरीका बता दूंगा जिसकी मदद से आप लोग तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो लास्ट का जो 4th नंबर का जो ट्रिक्स बताया वो 100% वर्क करता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो 1st नंबर में आप IRCTC वेबसाइट से बुक कर सकते हैं तत्काल टिकट। लेकिन IRCTC वेबसाइट से हम टिकट बुक करने के लिए कोशिश करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट के आसपास लग जाते हैं मिनट तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन जब तक टिकट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं एक अदर रूट का, जिस रूट में 3 से 4 मिनट यानी कि 2.5 मिनट तक टिकट रुकता है। कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ वहाँ से आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट हम बुक कर ले बिहार रूट के होली या फिर दिवाली के सीजन में या फिर गर्मी के टाइम में, तो ये मुश्किल है। फर्स्ट तो एक तरीका है, जिस रूट में आपका 2 से 2.5 मिनट टिकट रुकता है वहाँ तब IRCTC के वेबसाइट से भी टिकट बुक कर सकते हैं PC या लैपटॉप से। इसको सेकेंड में आता है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 मिनट के आसपास में टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे है जो 2 मिनट तक टिकट नहीं रुकता है तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सजेस्ट करूँगा, खुद तत्काल एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस खुद तत्काल सॉफ्टवेयर की मदद से आप चाहे तो तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं 1.5 से 2 मिनट के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बना चुका हूँ आप किस तरह कोई तत्काल सॉफ्टवेयर यूज करके तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। 3rd नंबर में आता है सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन। यदि आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन की मदद लेना पड़ेगा। यदि हाई रूट के यानी कि आप मुंबई रूट के या फिर दिल्ली रूट से या फिर हावड़ा रूट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट से या फिर रेल कनेक्ट ऐप से हम टिकट बुक कर ले, इन रूट में तो मुश्किल है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक टेंशन या फिर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे ये सॉफ्टवेयर यूज करना लीगल है या फिर इनलीगल है, सॉफ्टवेयर यूज करना इनलीगल है, लेकिन आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी का साथ जाएगा। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा सॉफ्टवेयर से यूज नहीं करने के लिए। तो आप लोग करेंगे क्या, तो 4th नंबर का एक तरीका बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये तरीका यदि अपनाते हैं तो आप लोग किसी भी रूट का टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जब भी आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो आपको रेलवे काउंटर पर जाना होगा। रेलवे काउंटर पर जाने से आपको, जैसे कि मान लो कल का टिकट चाहिए, परसों का टिकट चाहिए, तो कल रात को ही आपको चले जाना है और स्टेशन पर आपको नंबर लगाना पड़ेगा। यानी 1 से 2 नंबर काउंटर पर आप खड़े रहेंगे 1 से 2 नंबर पे, तो आपको वहाँ पे तत्काल टिकट कंफर्म बुक मिल सकता है। यहाँ पे 100% चांसेस है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे IRCTC वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन से हम तत्काल टिकट बुक कर लेंगे, तो ये मुश्किल है, क्योंकि IRCTC टाइम टाइम पे अपडेट करता रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है, आप जब तक पर्सनल डिटेल या पेमेंट तक पहुँचते हैं तब तक टिकट खत्म हो जाता है और आप लोगों को वेटिंग देखने को मिलता है। ये है 4th नंबर का तरीका जो 100% वर्क करता है। इसके बाद यदि अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको यदि कोई रेलवे में कोई जानने वाले हैं तो आप टिकट किसी भी ट्रेन का एक वेटिंग टिकट निकालने के बाद हेड क्वार्टर में भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको 4 घंटा पहले ही टिकट कंफर्म हो जाता है। तो ये तरीका अपनाते हैं तो आप टिकट कंफर्म बुक पा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।